ये सारा कबाड़ा बेच के अंबानी बनने की कोशिश की जाएगी, और दूसरे अंबानी आते हुए बहुत साफ झूठा जग रैन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सामोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के मींचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं एवरीवन। ये ब्लॉग मेरे रोज जैसे ब्लॉग आते हैं वैसा ब्लॉग नहीं है, नॉट अ काइंड ऑफ डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग जो आप रोज देखते हो मेरे चैनल पे। दिस वीडियो इज जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स स्पेशली बॉयज ऑफ 18 टू 25 एज। यस्टरडे वन ऑफ माय फ्रेंड कमिटेड सुसाइड, प्रथम राठौड़ पिंकू, और मुझे नहीं पता मेरे ब्लॉग्स कितने लोग देखते और ये वाली वीडियो कितने लोग देखेंगे, बट इससे पहले मेरा वाइट वॉश वाला ब्लॉग आया होगा और वो मैंने एडिट करके शेड्यूल कर दिया था यूट्यूब पे, मतलब जो 11:45 पे रोज़ मेरी वीडियो आती है उस टाइम पे आ जाता था वो, तो लास्ट नाइट मैंने एडिट करके शेड्यूल कर दिया। नॉर्मली मैं मॉर्निंग में करता हूँ, मैंने एडिट करके शेड्यूल किया, उसके बाद मुझे एक फ्रेंड का कॉल आया कि पिंकू कमिटेड सुसाइड एंड आई एम लाइक आर यू सीरियस, आप जो बोल रहे हो आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? तो उसने कहा नहीं ये बात सच है। एंड 12:30 हुए थे रात के, मैं सोने वाला था, मैं तैयार हुआ मतलब खड़ा हुआ और मैं उसके घर गया। उसके घर जाके मैंने उसकी जब बॉडी देखी ना, आई वॉज टोटली ब्लैंक, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। जिस इंसान के साथ मैंने सुबह व्लॉग बनाया है 1:30 बजे, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा उसमें देखना, उस व्लॉग की शुरुआत वाइट वॉश की जो पहले के 8-10 सेकंड है ना उसमें लड़का आ रहा है वो पिंकू है, और दूसरे अंबानी आते हुए व्हाट्सअप, और उसके 3-4 घंटे बाद मुझे ये न्यूज़ मिलती है कि ही कमिटेड सुसाइड। इज़ इट सेल्फ वेरी डिसअपॉइंटिंग, नॉट फॉर मी और सबके लिए जो उससे मिला होगा कल। मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहा होगा, सुसाइड इज़ नॉट एट ऑल अ सॉल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ है तो सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन भैया। आज मैं जब उसकी लास्ट राइड्स अंतिम यात्रा में गया तो मतलब मुझे नहीं पता मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कितना कॉन्फिडेंट रहता हूँ, कितना सख्त हूँ, कितना मजबूत हूँ, लेकिन आज पिंकू की मम्मी को देख के ना हर कोई बंदा मतलब अंदर से टूट गया होगा, क्योंकि बेटे को खोने का, बेटी को खोने का दर्द माँ ही बता सकती है जिसने जन्म दिया भैया। ऑफकोर्स पापा को भी मैंने देखा, बट बाप ना मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, माँ थोड़ी सी मतलब इन मामलों में कमज़ोर पड़ जाती है। बट मैं मतलब ऑफकोर्स एवरी वन वॉज क्राइंग, आई एम ऑल्सो क्राइंग, बट आई हैव द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया कभी भी कुछ टेंशन हो, डिप्रेशन हो, कोई एनजाइटी हो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, किसी के साथ भी शेयर करो। आपको लगता है ना कि मैं इसके साथ शेयर करूँगा हल्का हो जाऊँगा, बात शेयर करो। मैंने एक वीडियो डाली थी आपको पता हो तो डिप्रेशन वाली, उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को सामने से बुलाया था, मैं फैमिली के साथ बैठ के बात करी थी, मेरे को कॉल्स आए थे मैंने उठाए थे,
सॉरी पिंकू बट दैट्स नॉट द वे यू लीव अस. वी मिस यू, वी लव यू एंड मे योर सोल रेस्ट इन पीस. कल जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी ना कि ये देखो भैया कबाड़ा बेच के अंबानी बनने की कोशिश की जाती हुई, फिर पिंकू को दिखाया कि अंबानी आते हुए, उसका मैंने वीडियो बंद करी और मैंने उसे बोला अब तू कल यूट्यूब पे आएगा फेमस हो जाएगा. मैं नॉर्मली हर इंसान को बोलता हूँ जो भी मेरे ब्लॉग्स में आता है कि तू फेमस हो जाएगा, उसे भी मैंने बोला था. तो उसने कहा चल देखूँगा कल तेरा ब्लॉग देखूँगा. पिंकू भाई ब्लॉग तो देख के जाता यार. मेरा एक व्यू एक लाइक कम हो गया. चलो भैया ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, सबका. चलो पिंकू भाई हमारा ध्यान रखना. क्या कहा था तूने कि तेरे 1 मिलियन पे पार्टी करेंगे? करेंगे भाई, करेंगे, बिल्कुल करेंगे. मेरा ब्लॉग तो देख के जाता यार.